मित्रों, जहाँ से ये मई शुरू होता है वहाँ से संसार का दरवाजा खुल जाता है, और जहाँ ये मई नहीं बसता है, गायब हो जाता है, वहाँ से परमात्मा का द्वार खुल जाता है। ये जो संसार है हमारा, जो हम आँख से देखते हैं, कान से हमको सुनाई पड़ता है, जिस संसार में हम जीते हैं वो क्या है? वो संसार मई का ही विस्तार है और कुछ नहीं है। अगर वहाँ कोई मई नहीं होता तो कोई भी संसार वहाँ नहीं होता। जो संसार हमको बाहर का ये लगता है कि सत्य, ये वृक्ष, ये पेड़, ये आदमी, ये सारा का जो संसार है बाहर का, हमको लगता है कि ये सच है, मगर थोड़ा गौर करने से, हमको इसका अध्ययन करने से हमको ये लगेगा कि ये बाहर का जो संसार है ये तो सच नहीं है, ये मन का जो संसार है ये सच है। क्योंकि हमारे मन का संसार जैसा है, हमको बाहर का संसार भी ऐसा ही अनुभव होता है ना? इसलिए बाहर का संसार सच नहीं, मन का संसार सच है। अगर हम मन में खुश हो जाएं, तो बाहर का संसार भी हमको अच्छा लगेगा। मन में हम दुखी हो जाएं, तो बाहर का संसार भी हमको बुरा लगेगा, व्यर्थ लगेगा, है ना? तो मन हमें हम कैसे, हमारे भीतर काम वासना है तो बाहर का संसार भी हमको वासनाओं से भरपूर लगेगा। हमारे मन में चोरी का वृत्ति है तो सारा संसार झूठ और चोरी का अनुभव हमको होगा। तो इसका अर्थ यह हुआ कि जो हम बाहर का संसार, जो सोसाइटी है, जो लोग हैं, जो भी आंख से दिखाई पड़ता है, वो सब वो झूठ होता है, वो होता नहीं ऐसा है, क्योंकि वो हमारे भीतर के संसार के प्रोजेक्शन के द्वारा दिखाई पड़ता है। तो अगर हम भीतर के मन के देखने की दृष्टि को चेंज कर दे तो बाहर की दृष्टि भी चेंज हो जाएगी। तो इसलिए अब ये मन ही सच हमको लगेगा। मगर अब हमको लगेगा कि ये मन में जो चलते हुए विचार हैं यही सच है ना? मगर इन विचारों में भी, मन के अंतर जगत के इस संसार में भी जो मई वाला विचार होता है, वही विचार हमको लगता है कि ये सच है, वही सच होता है। क्योंकि मन में भी जो विचार चलते हैं वो विचार मई के लिए चलते हैं। मई को क्या चाहिए उस हिसाब से मन के विचार चलते हैं। अगर मई कुछ बदल गया तो विचार भी बदल जाते हैं, है? जैसे आपको, आपका जो मई है, उस मई को कुछ चाहिए, कुछ सफलता चाहिए, कुछ धन इकट्ठा करना है, तो आपके मन में धन कैसे इकट्ठा करना है इसके बारे में ही विचार चलेंगे। आपका मई क्या चाहता है उसी किस्म से विचार चलेंगे। आपका मई अपने को मानता है कि मैं बहुत कमजोर हूँ, तो आपके मन में ऐसे ऐसे ही विचार चलेंगे, कमजोरी के विचार चलेंगे, असफलता के विचार चलेंगे, नकारात्मक विचार चलेंगे। आप मानते हैं आपका मई श्रेष्ठ है, बलवान है, तो इसी किस्म के विचार चलेंगे। तो फिर बाहर का संसार झूठ था, क्योंकि भीतर के मन के संसार के द्वारा वो निर्मित होता था। ऐसे मन में चलते हुए जो विचार हैं, जो संसार है, वो भी झूठ है, क्योंकि वो मई के कारण चलता था। अगर आपको, आपके मई को कुछ चाहिए, तो उसको चाहने के लिए विचार पैदा होंगे। आपके मई को भविष्य में कुछ पाना है तो उसी के बारे में विचार चलेंगे, और चीज के बारे में विचार नहीं चलेंगे। विचार तो हजारों लाखों हैं, मगर सभी किस्म के विचार आपके मन में नहीं चलेंगे। आपके मई को क्या चाहिए, आपका मई कैसा है, उसी किस्म के विचार आपके मन में चलेंगे। तो फिर इसमें भी थोड़ा गहरा अध्ययन आपने किया तो आप जानेंगे आपके मन का जो संसार है वो भी झूठ है, क्योंकि वो भी मई के विचार के द्वारा ही चलता है। तो अब बात क्लियर ये हो गया कि जो भी ये संसार है, जो भी बाहर का संसार है, मन का संसार है, ये सब मई के द्वारा ही उत्पादन होता है। अगर मई नहीं होता तो ये न मन में विचार चलते, न बाहर कुछ आपको संसार अनुभव होता, तो कुछ भी सच नहीं होता। सब प्रोजेक्शन ही है, सब मई का प्रोजेक्शन है। अब हमको देखना चाहिए ये जो मई होता है ये कैसे निर्मित होता है। ये जो मई होता है
ये कल्पनाओं के द्वारा, मान्यताओं के द्वारा पैदा होता है, ये सच नहीं है। इसलिए ये संसार हमको बंधन में डालता है ना, ये जो हमारा संसार है ये बंधन है। अब संसार का अर्थ क्या हो गया, मैं हो गया है ना। पहले हमको लगता था कि बाहर का संसार सच है, फिर हमको लगता मन के भीतर चलती हुई हजारों जो विचार है, स्वप्न है, वो सच है। फिर हमको, फिर ये हमने जाना कि ये सब के पीछे ये मैं है, उसी के कारण ये सब हो रहा है। तो मन में जो चलते हुए विचार हैं, उन विचारों का मूल जो विचार है वो मैं होता है। पहले मैं आता है, उसके बाद और सब चीज आती है, उसके बाद तू आता है, है ना। मैं आ गया तो उस मैं को अब स्थापित करने के लिए, उसको संरक्षण करने के लिए, उसको विकसित करने के लिए, उसको सफल बनाने के लिए, उसको श्रेष्ठ बनाने के लिए और सारे विचार आएंगे। तो आपने कहा मैं हूं, मैं श्रेष्ठ हूं आपने कहा, तो फिर आपके मन में ऐसे ऐसे विचार चलेंगे जो आपके मैं को श्रेष्ठ बनाने के लिए मदद करें, है ना। हालांकि किसी का भी मैं श्रेष्ठ हो नहीं सकता है, मैं श्रेष्ठ कैसे हो सकता है, मैं तो नपुंसक है, वो तो झूठ है। क्योंकि ये जो मैं हम कहते हैं अपने को, ये एक मान्यता है, ये सच नहीं है, है ना। मैं का अर्थ क्या होता है, मैं का अर्थ होता है इस संसार में सब को छोड़ के मैं जो अकेला बसता हूं, वो उसी को हम मैं कहते हैं, है ना। मगर इस तरह का कोई भी चीज इस संसार में नहीं होता। ये जो संसार है ये सब जुड़ा हुआ है एक दूसरे के साथ, हमारा शरीर भी जुड़ा हुआ है प्रकृति के साथ, हमारा मन में चलते हुए विचार भी जुड़े हैं सोसाइटी के साथ, और हमारे भीतर ऐसा कोई भी टुकड़ा नहीं है जो सबसे भिन्न है, अलग है, जिसको हम मैं कह सकें, ऐसा कोई भी हमारे भीतर तो है नहीं। मगर हम मैं कहते हैं इसमें, तो इसका अर्थ क्या है, जहां टुकड़ा था नहीं, हमने वहां मान्यताओं के द्वारा एक टुकड़ा बना दिया अपने को। तो मैं कभी भी श्रेष्ठ हो नहीं सकता, मैं कभी भी सुखी भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो असीमित को सीमा में बदल देता है। जो संसार है विराट, उसको आप एक छोटा टुकड़ा बना देते हो अपने को मैं कह के। अगर आप अपने को मैं नहीं कहते तो जितना बड़ा ये संसार है उतना बड़ा आप होते हैं। और ये तभी आपको पता चलेगा जब आप अपने को मैं कहना बंद कर देंगे। तो मैं कहना बंद क्यों करना है इसको समझना है पहले, क्योंकि अपने को मैं कहना ये झूठ बात है, ये सच नहीं है, ये एक मान्यता है। आपने अपने को मैं क्यों कहा इसको देखे ना, आप एक मान्यताओं के कारण कहा, दूसरों ने आपको कहा कि तुम ये शरीर हो, तुम हो, तुम्हारा नाम ये है, तुम्हारा जात ये है, तुम्हारा धर्म ये है, तुम्हारा शरीर ये है, अब तुम ये हो, है ना। सोसाइटी के द्वारा हमको बना दिया कि तुम ये हो, और हमने इस बात को मान लिया, हम भी कहने लग गए फिर, हाँ भाई मैं तो हूं, और मैं ये शरीर हूं, मैं ये जात का हूं, मैं ये धर्म का हूं। तो यहां पर क्या हो गया, यहां न कोई आपका जात है, न कोई आपका धर्म है, न कोई आपका लिंग है, है ना। आप जो हो वो परमात्मा हो कहो या अस्तित्व हो, अस्तित्व का कोई जात नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता। मगर दूसरों ने, सोसाइटी ने कह दिया हमको कि मैं तुम, मैं ये हूं तुम ये हो वो ये है, इस तरह सबको अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया, जो कि टुकड़ा है नहीं कहीं भी, है ना। तो इसी कारण हम मान्यताओं के द्वारा, विचारों के द्वारा अपने को कहने लग गए मैं। तो वो मूल विचार होता है मैं का, है ना। अब उस मूल विचार को स्थापित करने के लिए फिर उसके आसपार और सारे विचार चलते हैं, और हमारे मन में जो भी विचार चलते हैं तो उसी एक मैं के आसपास चलते हैं, वो केंद्र में मैं का विचार होता है, है ना। और जो विचार है वही दुनिया होती है, अगर मन में विचार नहीं होता तो कोई भी दुनिया नहीं होती। रात में स्वप्न चलता है और स्वप्न में आप एक दुनिया देखते हो, क्यों देखते हो, क्योंकि स्वप्न में विचार चलते हैं, जहां विचार चलता है वहां दुनिया निर्मित हो जाती है, स्वप्न की दुनिया। दिन में भी आपके मन में विचार चलते हैं इसलिए आपको ये दुनिया अनुभव होती है, मगर सुषुप्ति में आपके मन में कोई भी विचार नहीं चलता इसलिए वहां कोई दुनिया नहीं होती।
इसलिए ध्यान में आपके मन में कोई विचार नहीं चलता, इसलिए वहां कोई दुनिया नहीं होती। तो सारा ये जो दुनिया है ना, संसार है, वो झूठ है, वो एक मान्यताओं का खेल है, शब्दों का खेल है। और इस खेल में जो मूल खिलाड़ी है वो मैं है, है? पहले मैं का विचार आया, फिर सारा का सारा जंजाल खड़ा हो गया। मैं आया, फिर तू आएगा, क्योंकि मैं कहने के लिए तू से मैं को भिन्न करना होगा। आप अकेले बैठे हो तो मैं आप कह नहीं सकते अपने को, है? कोई दूसरा आएगा तो उसके आगे आप कहेंगे कि मैं, मगर कोई भी नहीं, आप अकेले बैठे हो तो वहां आप मैं नहीं कहेंगे। मगर मन के जो संसार है वहां पर आप मैं कहते रहेंगे, क्योंकि मन में तू के बारे में विचार आएंगे ना, उसके बारे में विचार आएंगे, तो फिर मन में ही आपको कहना होगा कि मैं ऐसा हूं, वो ऐसा है, उसको ऐसा करना चाहिए, मैं ये करूंगा, उससे मैं श्रेष्ठ हूं। तो इस तरह अपने को हम लगातार मैं कहते रहते हैं, है ना? तो मैं जहां स्टार्ट हो जाएगा, फिर वहां पर मन के अंदर बहुत सारे विचार चलेंगे उस मैं को प्रतिस्थापित करने के लिए, और फिर मन के अंदर का संसार, स्वप्न का संसार पैदा हो जाएगा। फिर इसी संसार से हम बाहर के संसार को देखेंगे और लगेगा कि हमको बाहर का संसार सच है। इसे बहुत सारे लोग हैं, उनको तो ये भी पता नहीं चलेगा कि ये बाहर का संसार झूठ होता है, मन में चलते हुए विचार ही सच होता है, विचारों के द्वारा ही बाहर का संसार ऐसा दिखाई पड़ा। बहुत सारों को ये भी पता नहीं चलेगा, उनको ये लगेगा कि जो बाहर दिखाई पड़ता है वही सच है। यहाँ अगर मेरे मन में विचार बदल जाते हैं तो बाहर का संसार भी बदल जाता है, इतनी बात भी पता नहीं चलेगी, है? बाहर के संसार को ही सच मानेगा, मगर कोई इसमें गहरा जाएगा वो जान लेगा कि ये बाहर का जो संसार है ये तो मेरे मन का ही विस्तार है। अगर मेरे मन में विचार कुछ और चल जाए तो बाहर का संसार और दिखाई पड़ जाता है, अगर मैं सुखी हो जाऊं तो और दिखाई पड़ता है, दुखी हो जाऊं तो और। तो इसका कारण बाहर झूठे, मन में चलते हुए विचारों ही सच है, इसी के कारण चल रहे हैं, है ना? तो ऐसा जानने वाले भी बहुत सारे होंगे, मगर मन में हुए चलते हुए ये जो भी विचारों का संसार है, ये भी मैं वाला विचार के कारण पैदा हुआ एक विस्तार है। तो ये जानने के लिए और प्रतिभा आपको आवश्यक होगी, है ना? आप कभी भी देखना आपके मन में विचार क्यों चलते हैं, इसीलिए चलते हैं मैं के कारण। पहले मैं वाला विचार आता है वहां सबसे पहले, फिर भविष्य का विचार आएगा, फिर भूतकाल का विचार आएगा, फिर दूसरे के बारे में विचार आएगा। तो वो भविष्य का विचार क्यों आता है, क्योंकि इस मैं को कहीं भविष्य में कुछ ना हो जाए। भूतकाल के विचार क्यों आते हैं आपके मन में, क्योंकि इस मैं को पहले ऐसा ऐसा हुआ था, है ना? तो ये मैं केंद्र में होता है। दूसरे के बारे में विचार आपको क्यों आते हैं, क्योंकि दूसरे ने मैं को ऐसा ऐसा कहा था, और दूसरे को मैं के बारे में ऐसा ऐसा करना चाहिए था, है ना? तो केंद्र में होता है मैं, तो विचारों का केंद्र है मैं, मन का केंद्र भी है मैं, मन भी कुछ नहीं, संसार भी कुछ नहीं, केवल मैं ही है, वहीं से सारा का सारा खेल स्टार्ट हो रहा है। और जहां ये मैं खत्म हो जाता है, फिर वहां सब संसार खत्म हो जाता है, फिर वहां से परमात्मा का द्वार खुलता है। और परमात्मा का अर्थ है जो भी है सच में, मैं तो सच में नहीं है, वो तो मान्यताओं के द्वारा पैदा हुआ है, विचारों के द्वारा पैदा हुआ। अगर विचार ही ना चले तो मैं भी पैदा नहीं होगा। इसलिए आप अपने को मैं कहते हो ना, इतना सच मानते हो अपने मैं को। अगर आपको कहीं एक्सटेंड हो जाए, तो आपके मस्तिष्क में कुछ चोट पहुंच जाए, तो आप एकदम से भूल जाएंगे सारा संसार को, आपके मन में है ना, सारी इन्फॉर्मेशन डिलीट हो जाएगी। उस वक्त फिर आपको मैं भी आप नहीं कह पाएंगे, तो मैं ऐसा झूठ है। अगर मैं सच होता तो ब्रेन में चोट लगने के कारण आप कोमा में नहीं जाते, आप भूल नहीं जाते संसार को, अपने को, मगर आप भूल जाते हो अपने मैं को, क्योंकि मैं विचारों के द्वारा पैदा हुआ था। तो विचार को आप भूल गए तो आप फिर मैं को भी भूल गए, इसलिए स्वप्न में भी आप इस मैं को भूल जाते हैं, जो आपका ये दिन का मैं है ना, अपने को कहता रहता है कि मैं ये हूँ वो हूँ, मैं शरीर हूँ मन हूँ, ये जात का हूँ, ये धर्म का हूँ। रात जब आप सो जाते हो, वहां पर ये मैं तो नहीं बचता, कोई दूसरा मैं आ जाता है।
स्वप्न में ऐसा हो सकता है कि आप एकदम से गरीब हो गए, भिकमंगे हो गए, भिकमंगे होकर घूम रहे हो, तो वहां कोई दूसरा मैं आ गया। तो ये मैं अगर सच होता तो ऐसा हो नहीं सकता है। सुसुप्ति अवस्था में आप बेहोश हो गए, बेहोशी अवस्था में भी आप अपने को भूल जाते हैं कि मैं कौन हूं। तो बहुत सारे लोग हैं जो भूल जाते हैं अपने मैं को। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि ये मैं विचारों के द्वारा निर्मित था, और विचार को आप भूल गए तो फिर मैं को भी आप भूल जाते हैं। इसलिए ये मैं सच नहीं है, विचारों के द्वारा निर्मित एक मान्यता है और ये झूठ है और ऐसा होता नहीं। मगर हम इसको मान के जीते हैं तो हमको ये संसार लगता है कि सच है, शरीर लगता है कि सच है, सुख दुख फिर ये संसार का जो भी है ना बंधन, ये सब हमको अनुभव होता है। तो अपने को मैं नहीं कहना है, अपने को जो हम है उसको कहना है ना। हालांकि अध्यात्म भी आप जानोगे कि मैं ब्रह्म हूं जानेंगे, अहम ब्रह्मास्मि, मैं साची हूं, बोध हूं, इस बात को आप जानेंगे, मगर वो मान्यता का मैं नहीं होगा, वो सच का मैं होगा। ये मैं आप कहना बंद कर देंगे अपने को, बिल्कुल खाली हो जाएंगे आप। अपने को मैं नहीं कहेंगे तो विचार भी बंद हो जाएगा, क्योंकि सारे के सारे विचार मैं के लिए आते थे। अब आपने अपने को मैं कहना बंद कर दिया तो फिर और विचार नहीं आएगा मन में, विचार नहीं आएगा मन के संसार पैदा नहीं होगा, मन का संसार पैदा नहीं होगा तो फिर बाहर का संसार भी नहीं आएगा, तो सारा का सारा ये संसार ही विलीन हो जाएगा। तो मैं नहीं कहने के कारण जब ये सारे झूठ नष्ट हो जाएंगे, नहीं रह जाएंगे, गायब हो जाएंगे, फिर जो बचेगा अस्तित्व, जो टुकड़ों में बंधा हुआ नहीं है, जो अखंड है, सभी तरह है, सर्वव्याप्त है, उस परम सत्य के साथ आपका साक्षात्कार होगा उस स्थिति में। इसलिए कहा जहां ये मैं गायब होता है वहां से परमात्मा शुरू होता है, जहां ये मैं शुरू होता है वहां से संसार शुरू हो जाता है।